सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में अगर आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि हल्की पिंक लाइन आने का कारण क्या होता है। तो सिंपली है गाइस कि हल्की पिंक लाइन आने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, जिसे बीटा एससीजी हार्मोन बोलते हैं, ये उतना नहीं है जितना सामान्यता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये टेस्ट कार्ड देख लीजिए, यहाँ पर सैंपल विंडो है, फिर यहाँ पर टी लाइन, यहाँ पर सी लाइन है। सी लाइन पर आपको एक डार्क रेड कलर की लाइन देखने को मिलती है, ये प्रेगनेंसी का हार्मोन जो है बीटा एससीजी, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, ये हार्मोन, इसका लेवल इतना है जितना आपके प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पर होता है। मतलब कि अगर आपका टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का 9 वीक से 12 वीक्स का है तो इतना लेवल होता है। और अगर मैं आपको इसको नंबरिंग में बोलूं तो इसका जो लेवल है वो 1.5 लाख से 2,90,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में 1.5 लाख से 2,90,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट बीटा सीजी का हार्मोन लेवल नहीं है, उससे कम है, तो ये उतना ही आपको कम लाइट शो होगा। ठीक है, ये तो कारण था कि हल्की पिंक लाइन आने का कारण क्या होता है। अब मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि हल्की पिंक लाइन आने के वो कौन से मुख्य कारण हैं जिनके कारण आपको हल्की पिंक लाइन शो होती है। तो सबसे पहला मुख्य कारण है अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट। अब देखिए गाइस, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि फर्टिलाइजेशन 14th डे के अराउंड होता है, ओवल्यूशन के टाइम पीरियड पर। तो जो मेल है, जो मेल का शुक्राणु और जो फीमेल का अंडाणु है, जो एग है, जब ये मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्ट 6 दिन के बाद बीटा एससीजी हार्मोन महिला के शरीर से सीक्रेट होने लग जाता है। ठीक है, मार्केट में जितने भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं, चाहे वो आइकन हो या फिर प्रेगा न्यूज़ हो या फिर प्रेगा कैम हो, बहुत सारे टेस्ट कार्ड अवेलेबल हैं। ये सभी टेस्ट कार्ड बीटा एससीजी हार्मोन को ही डिटेक्ट करते हैं। और जब 6 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 6 दिन के बाद जब आप टेस्ट करोगे तो फिर आपको ये हार्मोन डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन हल्की पिंक लाइन में डिटेक्ट होगा। ठीक है, अगर क्लियर आउट बोलें तो अगर किसी फीमेल को 15 तारीख को पीरियड्स आनी है तो 9 तारीख को अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो। अगर आप उसके एग्जैक्ट 5 से 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करोगे तो ये हल्की जो पिंक लाइन आपको शो हो रही थी, ये आपको डार्क हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्थी है और प्रेगनेंसी ग्रोथ कर रही है। तो पहला कारण तो यही है कि अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। दूसरा कारण है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहती है तो अबॉर्शन पिल्स लेती है, और जब अबॉर्शन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये 10 दिन का प्रोसेस है। और फिर कुछ टाइम के बाद 11वें 12वें दिन पर जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसेस सही नहीं हुआ या फिर आपको प्रेगनेंसी है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है इसमें जो बीटा एसटीजी हार्मोन है ये आपके ब्लड स्ट्रीम में बना रहता है कम से कम 21 से 28 दिन तक। तो आपको 21 से 28 दिन का टाइम कवर करना है, फिर आप 21 से 28 दिन के बाद जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगला तीसरा कारण है मिस कैरेज। अब देखिए गाइस, मिस कैरेज कई बार ही नेचुरली हो जाता है, और सामान्यतः जो नेचुरल मिस कैरेज हैं इसमें
50-75% चांसेस तब होते हैं मिसकैरेज होने के जब फीमेल का अंडाणु अंडा अच्छा नहीं होता, उसका डीएनए स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, या फिर कुदरत या फिर आपकी बॉडी को ये लगता है कि ये प्रेगनेंसी आगे जाकर अच्छी नहीं होगी, या फिर जो बेबी डेवलप हो रहा है वो फिजिकली या मेंटली अच्छा नहीं है तो बॉडी उसको खुद रिजेक्ट कर देती है, या फिर आप समझ सकते हो कि नेचुरली मिसकैरेज हो गया है। तो मिसकैरेज होने पर क्या होता है कि आपका पीरियड नहीं आएगा, फिर आप जब टेस्ट करोगे तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिलेगी क्योंकि जो टाइम है वो भी कवर नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि एसीजी का जो लेवल है वो मैक्सिमम 9वें से 12वें वीक्स तक होता है, तो अगर आपको अर्ली मिसकैरेज हो गया है नेचुरली तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है, और 5 से 7 दिन के बाद जब आप दोबारा टेस्ट करते हो तो आपको सेम वही हल्की पिंक लाइन देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो देखिए वहीं पर रुक गई है। अगला कारण है केमिकल प्रेगनेंसी। अब देखिए केमिकल प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स के कारण बीटा एसीजी का हार्मोन बना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको नेचुरली मिसकैरेज हुआ है, आपका पीरियड साइकिल मिस हुआ, कुछ स्पॉटिंग हुआ, कुछ आपको लगा कि आपको प्रेगनेंसी है और आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने पर आपको हल्की पिंक लाइन दिखी और आपने सोचा कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, फिर आपने इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का ट्राई किया और सडनली आपको पीरियड्स आ गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद जब आपने दोबारा टेस्ट किया तो फिर आपको टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर इसे केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं और इसके कारण भी आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है इवेपरेटेड लाइन को लेकर, जिसमें लोग काफ़ी डाउट में रहते हैं। अब गाइस देखिए इवेपरेटेड लाइन तब होती है जब आप टेस्ट करते हो, टेस्ट कार्ड को रख देते हो, जो यूरिन है वो इवेपरेटेड होता है और देन वहां पर एक लाइन बन जाती है वाइट कलर, ग्रे कलर की या पिंक कलर की। तो इसके रिगार्डिंग आप देखिए जो जिस भी कंपनी का आप टेस्ट कार्ड यूज़ कर रहे हो उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। सामान्यतः जितनी भी टेस्ट कंपनीज हैं वो बोलती हैं कि आपका जो टेस्ट है वो 3 से 5 मिनट तक ही वैलिड होता है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम पीरियड का वेट करते हो, टेस्ट को देखते हो, तो वो एक इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट शो करता है और फिर आप देखिए कन्फ्यूज में ही रहेंगे। तो बेटर यही है कि आप एक लिमिट जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है कंपनी के द्वारा उतने ही टाइम पीरियड पर आप टेस्ट को देखें। अगला कारण है एप्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर। अब गाइस देखिए एप्टोपिक प्रेगनेंसी पर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन एप्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो सामान्यतः यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर डेवलप होती है, इम्प्लांट हो जाती है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहाँ पर पेशेंट का इमिडिएटली ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एप्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब कई पेशेंट ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, हम लोग उन्हें यूजली कुछ इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन या कुछ ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिनसे जो प्रेगनेंसी हार्मोन है बीटा एससीजी उसका लेवल बढ़ जाता है, और जब वो टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टेस्ट कार्ड में हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। तो आपको उसके रिगार्डिंग देखिए फॉलिकुलर स्टडी या बहुत सारी अदर स्कैनिंग्स हैं, इसके रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जब तक ये मेडिकेशन का कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगला है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर आप हाई डोज लेते हो, उनका मिसयूज़ करते हो, तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। ये हार्मोनल पिल्स हैं, बहुत हाई डोज होती हैं इनकी, ख़ासतौर पर जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ठीक है। और जब आप इनकी एक टैबलेट लेते हो, बारी बारी इनका यूज़ करते हो ना, तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपको केमिकल प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है और आपको हल्की पिंक लाइन देखने को भी मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग देखिए आपको लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए फाइंड आउट करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं। अगला है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बीटा एसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ा देती हैं, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन या फिर फेनार्गन सिरप आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है,
इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है प्रोमिथाजीन, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लड का पीएच लेवल बढ़ा देती हैं, और ये सब ट्रिगर करता है प्रेगनेंसी के हार्मोन को इंक्रीज होने में, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो फिर आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। अगला है कुछ ऐसी कंडीशन जो मेडिकल कंडीशन है, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, या फिर आपको ओवरियन सिस्ट है, या फिर ओवरियन ट्यूमर है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, और आपका जो हार्मोन्स का लेवल है ना वो डिस्टर्ब रहता है काफ़ी लंबे टाइम से। तो ये सारी कंडीशन भी ना गाइज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप कर लेते हो तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन को लेकर भी लोग काफ़ी डाउट में रहते हैं, और इसके रिगार्डिंग तो देखिए आपको पहले टेस्ट करना चाहिए, 5 दिन बाद 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट रिपीट करें। अगर सेम कंडीशन है, सेम आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल रही है, तो आपको लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अगला है, अगर आपका टेस्ट कार्ड ही खराब है, माल फंक्शनिंग है, या फिर आप गलत तरीके से टेस्ट कर रहे हो तो भी आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। गलत टाइम पर अगर आप टेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए कि कई लोग यूरिन को कलेक्ट कर लेते हैं फिर 10-15 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, तो भी आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। कई बारी टेस्ट कार्ड ही लोकल कंपनी के होते हैं या फिर एक्सपायर होते हैं, तो उनके कारण भी आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट शो हो सकता है, या फिर आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। अगला है कि अगर किसी फीमेल बॉडी में इनटेक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, या फिर वो कोई डायरेटिक ड्रग जैसे लासिक्स, या फिर डाइट और मेडिसिन ले रही है, या फिर कोई डायरेटिक ड्रग्स ले रही हैं जिससे यूरिन का जो फॉर्मेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये कुछ कारण थे मुख्य, इस वीडियो में मैंने आपको 13 मुख्य कारण बताए हैं जिसके कारण आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आपको किसी बात को लेकर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कंसल्टेशन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और बार अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।